ज्यादा एसी से हो सकती है आपकी सेहत खराब, जानिए कैसे। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी फिट और हेल्दी होंगे। दोस्तों, मौसम गर्मियों का है और इस मौसम में ज्यादातर लोग एसी में रहेंगे, घर में एसी, मेट्रो में एसी, ऑफिस में एसी। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि एसी में ज़्यादा समय बिताने से आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। अगर आप ये नहीं जानते तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि ज़्यादा एसी में रहने से सेहत को कितना नुकसान हो सकता है। ऐसे में अगर आप भी ज़्यादा एसी में रहते हैं तो सावधान हो जाइए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, गर्मी अपना तेवर दिखाने लगी है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा उमस बढ़ने की बात कही जा रही है। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए लोग अलग अलग तरीका अपनाते हैं, कोई पंखा चलाता है, कोई कूलर, लेकिन आजकल एसी का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगर आप भी गर्मी से बचने के लिए अपना ज्यादातर समय एसी में गुजार रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं। यह आपको बीमार कर सकती है। अगर आप अपना ज्यादा समय एसी में बिता रहे हैं तो सिंक बिल्डिंग स्ट्रोम बढ़ने का खतरा रहता है। इसकी वजह से सरदर्द, सूखी खांसी, थकान, चक्कर आना, जी मचलाना, किसी काम में ध्यान ना लगना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ध्यान दें कि एसी का इस्तेमाल दोपहर और शाम में बिल्कुल कम करना चाहिए। एसी में ज्यादा देर रहने की वजह से शरीर की नमी खत्म हो जाती है, स्किन की बाहरी परत में पानी की कमी हो जाती है, इससे स्किन ड्राई हो जाती है और फटने लगती है। ज्यादा देर एसी चलाने से स्किन सिकुड़ जाती है, झुर्रियां और फाइन लाइंस आने लगते हैं, एजिंग भी तेजी से बढ़ने लगती है। एसी की ठंडी हवा शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ला सकती है। एसी का ज्यादा इस्तेमाल करने से एलर्जी और अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है। एसी की हवा से आंखों और स्किन की खुजली की समस्या हो सकती है, इसलिए एसी में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। साथियों, पसीना हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी है। बार बार पसीना आने से हमारे शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ डिटॉक्स होने लगती हैं। अगर वहीं आप दिन भर एसी की हवा लेते हैं तो इससे शरीर में पसीना नहीं आता, जो स्वेटिंग के नेचुरल प्रोसेस में बाधा उत्पन्न करता है। इससे स्किन पर भी कई प्रकार के प्रभाव दिखने लगते हैं। स्किन न केवल अपनी नमी खो देती है बल्कि फाइन लाइंस और एजिंग साइंस भी दिखने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप किसी भी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। साथ ही अगर आप इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।